बात सीधे सीधे अजीज खान साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। मामला आपकी पार्टी का है, बहुत सारे लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि पार्टी के नेताओं को जैसे ही खबर आती है नेता का स्टेटस नहीं पता होता है। एक नेत्री कहती है वो हमारे बड़े नेता हैं, दूसरे कह रहे हैं ये तो बहुत समय से पार्टी से निकाल दिए गए हैं। आप लोग पल्ला झाड़ने में क्यों लगे हैं, ये क्यों नहीं कहते कि अगर इन्होंने दुष्कर्म किया है तो पार्टी पल्ला पार्टी इन्हें इनसे रिश्ता खत्म कर देगी, इनसे अलग हो जाएगी। देखिए सुचित्रा जी, मैं देख रहा हूं लगातार मीडिया एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। आप सही नैरेटिव बताइए। और समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से ही इस बात अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, सुन ले मेरी बात, स्टैंड क्लियर कर दिया कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है, पहले था, पिछले 5 साल से उसको समाजवादी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ लगातार देखा जा रहा है और बीजेपी के नेता ही लगातार उसको अच्छा बचाने में कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास कर रहे थे। पूछ रही हूं, एक बात आपको बता दूं, पहली बात नहीं कब से पार्टी में नहीं, अब कंप्लीट करने दे। नहीं नहीं अजीज खान साहब, आप इसको आप दूध एक एक बड़ा क्लियर क्लैरिटी बहुत जरूरी है, पार्टी में नहीं है। सुनिए ना, कब से पार्टी में नहीं, नहीं अब हल्ला करने तो काम बनेगा नहीं। नहीं नहीं हल्ला तो मैं करूंगी सर, क्योंकि मामला संवेदनशील है, आप इस बात को समझ लीजिए। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा पार्टी के नेता नहीं है, कब से नहीं है, मेरा सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। देखिए 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 सुचिरता जी, इस बात को समझिए, समाजवादी पार्टी बहुत संवेदनशील पार्टी है, किसी भी हमारी बहन बेटी के साथ अगर किसी भी तरीके का दुराचार हुआ है तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है और जो भी आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज बीजेपी जब अपराध को रोकने में सक्षम नहीं है, उसके अपने लोग कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ रही है। क्या यादव और मुसलमान होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी ही का व्यक्ति है? आप एक नाम से कैसे आप पहचान रहे हैं? अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले गोमती नगर में जिस तरह घटना हुई थी, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में जाकर के केवल 2 नाम लेते हैं, तो ये कौन सा चरित्र है? वहां पे तमाम लड़के थे, तमाम लोगों ने हरकतें की। मैं कह रहा हूं कि आप ये ठप्पा लगाना ये सरकार बंद कर दे कि साहब अगर वो यादव हैं तो इसका मतलब वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक है। मैं ठप्पा नहीं लगा रही, कह रहा हूं ना कोई और ठप्पा लगाएगा, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूं कि ये ठप्पा आपको खुद लगाना पड़ेगा कि अगर ये दुष्कर्मी है तो ये किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। सीधा ये ठप्पा हर राजनीतिक दल को उस व्यक्ति पर लगाना चाहिए जो इस तरह का कोई दुष्कर्म कर रहा है, चाहे वो आपकी पार्टी हो, प्रेम शुक्ला जी की कोई भी पार्टी हो। मेरी बात सुनिए ना, आपने अपने मैं प्रेम नहीं सुनिए सुनिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, आपने बोला कि वो हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कब से नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जूही सिंह जी तो बयान दे चुकी है कि हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। अब या तो ये उनका वर्जन वर्सेस आपका वर्जन होगा या फिर वो चिट्ठी दिखाइए भाई, जो चिट्ठी दिखाई जो चिट्ठी भेजी गई अखिलेश यादव द्वारा। देखिए देखिए नवाब, सुनिए सुनिए मुझे बता दीजिए, मैं गलत हूँ मैं मान लूंगी। अब आप सुनिए ना, आप वो चिट्ठी देखिए जो अखिलेश यादव द्वारा नवाब यादव की माँ की मृत्यु पर भेजी गई, जिसमें उनको नेता पार्टी का बताया गया और कहा गया कि उनकी माँ की मृत्यु हुई है, उस पर हम शोक प्रकट कर रहे हैं। उस चिट्ठी में तारीख क्या है ये भी देखिए और फिर बोलिए ये हमारी पार्टी के नेता नहीं है, तो मैं मान जाऊंगी। किसको लिख रहे थे चिट्ठी अखिलेश जी? फिर अब आपका सवाल खत्म हो। 25 मई 25 जुलाई की तारीख है, आप सुन ले और मुझे मौका दे। बोलिए बोलिए। शोक सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे भाई आप चिट्ठी शोक संवेदना भेजने का ये मतलब नहीं, शोक संवेदना तो समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, वो बीजेपी के नेताओं के साथ भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी तरीके कोई बात हो जाती है तो वहां पर भी हम शोक संतप्त पत्र भेजते हैं, शोक पत्र भेजते हैं। शोक पत्र भेजने का मतलब किसी पार्टी के फ्रेम में उसे मर देने नहीं, ये मतलब नहीं होता। नहीं सर, अजीज जी डिफेंड मत करिए, अजीज जी डिफेंड मत करिए। अरे भाई अजीज जी आप गलत कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप डिफेंड मत करिए। आपकी नेत्री ने डिफेंड किया है कहकर कि हमारे बड़े नेता है, वो चिट्ठी भी स्क्रीन पर दिखाइए और ये इसलिए पूछिए कि जो पार्टी से नहीं है, क्योंकि एक रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं वो पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज में उन्हें हटा दिया गया, तो जो एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे थे उनको चिट्ठी लिख रहे थे अखिलेश जी। अब ये और जूही सिंह जी गलत बोल रही है ये भी बता दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सवाल करेंगी लगातार, नहीं क्योंकि ये मामला संवेदनशील है अजीज जी, ये समझना पड़ेगा आपको। लगातार आप सवाल करेंगे जवाब सुनेंगी नहीं, बात कैसे कंप्लीट होगी? आप लगातार सवाल सुन कर रही हैं, सवाल जवाब सुनना नहीं चाह रही हैं, लगातार आप सवाल कर रही हैं जवाब सुनना नहीं चाह रही, कैसे बात बन पाएगी? हमको भी अपना पक्ष रखने दीजिए,
पक्ष रखने दीजिए भैया, कैसे बन पाएगी? देखिए अरे सुनिए ना, मैं ये कह रहा था कि जूही सिंह जी का कोई भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा कि हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ये नेता थे, और तमाम ऐसे नेता होते हैं जो किसी पार्टी में रहते हैं और समय रहते बदल जाते हैं, चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, आते जाते रहते हैं, जिस वक्त वो मौके पे हैं, आज मौके पे वो बीजेपी में हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी के नेता कहलाएंगे। आप 5 साल का गाना चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है 5 साल पहले का, एक बात शोक संतप्त लेटर को आप कह रही है कि साहब उससे वो साबित कर रहा है कि हमारे नेता है, भाई शोक पत्र जो होता है वो बीजेपी के तमाम नेताओं को भी भेजा जाता है। अजीज खान साहब, लेटर गलत है, लेटर गलत है, जूही जी ने बयान दिया वो बड़े नेता हैं, वो गलत है। आपकी पार्टी के कन्नौज के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, वो गलत है। तीनों बातें गलत हैं, मैंने मान ली अजीज खान सही है। अभी मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बताइए कि इस मामले में क्या राजनीति हो रही है जो अजीज खान साहब कह रहे हैं कि उनके नेताओं को फंसा रहे हैं एक एक करके, पहले मोहित खान उसके बाद ये। मुझे हैरानी है कि जूही जी पहले एक तरफ बड़ा नेता बताती है और फिर दूसरी तरफ ये कहती है कि बच्ची रात को करने क्या गई थी वहां पर। देखिए श्रीमान अजीज खान किस तरह से जेल लगातार झूठ बोल रहे हैं, जेल पहुंचे एक बलात्कार के अभियुक्त के समर्थन में कैसे खड़े दिखता है आपको कि श्रीमान जी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को नहीं पता है कि उनका नेता है कि नहीं है। अखिलेश यादव पत्र लिख रहे हैं, जूही सिंह जो समाजवादी पार्टी की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व का निर्वाह कर चुकी हैं, वो उस महिला के समर्थन में खड़े होने की बजाय उल्टा उस बच्ची से पूछती है कि तुम रात के समय वहाँ गई क्यों। यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं से अगर कोई लड़की कोई महिला रात के समय मिल गई तो समाजवादी पार्टी के लोग बलात्कार कर दें या बलात्कार का प्रयास कर दें तो ये उनका अधिकार है, वो क्यों गई उससे, उसके सामने पड़ी क्यों। मैंने समाजवादी पार्टी के नेता इतने नृशंस बलात्कारी है कि अगर किसी महिला को उनके सामने पड़ गई, अगर कोई उनके से कोई मिलने चली गई तो बलात्कार करना उनका जो है जन्मजात अधिकार है, ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का कहना है। उस पर भी बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के लिए अब आपने इनसे पूछा श्रीमान अजीज जी से कि श्रीमान जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नवाब यादव के समर्थन में नारे क्यों लगा रहे थे जब वो समाजवादी पार्टी में है ही नहीं, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इस बात का नारा क्यों लगा रहे थे कि आप जिंदाबाद कर रहे थे नवाब का, एक बलात्कारी का जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है हर बलात्कारी को जिंदाबाद कहते हैं, हर बलात्कारी के समर्थन में नारा लगाते हैं, हर बलात्कारी का समर्थन करते हैं, ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक नीति है ये कहना चाह रहे हैं आप। अजब मामला है भाई आपका, एक तरफ जो है एक बलात्कारी आपका जो वहाँ अयोध्या में मदरसा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है मोहित खान, उसके समर्थन में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ। यानी पिछड़े समाज की 12 वर्षीय बालिका के साथ उनको किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। आप कल्पना करेंगे जो स्वयं बेटी का बाप हो, अखिलेश जी एक पुत्री के बाप है, अखिलेश जी की पुत्री भी हम लोगों के लिए बहुत जो है आदरणीय है, उसका भी सम्मान है, एक ऐसा सम्मानित बाप जो है वो एक 12 वर्षीय पिछड़े समाज की आने वाली लड़की को जो है सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी फिल्म बनाई जाती है, उसको दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है, बारम्बार बलात्कार किया जाता है, और उस बलात्कारी के साथ समाजवादी पार्टी बेशर्मी के साथ खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप अपना नाम समाजवादी पार्टी एक नीति बदल कर बलात्कार, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं।